मैं जाऊँ थोड़ा बोट राइड के लिए है और आ गया बारिश, टुक टुक भरा दिया है। मैं तो बहुत ही गलत चीज किया है, आज वेज है फिर भी नॉन वेज। हेलो गाइस, दिस इज केतन और आप देख रहे हैं केपी व्लॉग सिलचर। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ छत से, क्योंकि यहाँ का जो वेदर हो रखा है वो बहुत ही खूबसूरत वाला वेदर है। एक बार आप देखिए बैकग्राउंड पे। अभी बज रहा है दोपहर का 3:30 और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जाऊँ थोड़ा बोट राइड के लिए। मुझे लग रहा है बारिश आएगा अभी, अगर बारिश नहीं आया तो मैं जाऊँगा बोट राइड के लिए। ये सब वेदर में तो बोट राइड पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने मेरा दोस्तों के साथ बोट राइड का प्लान बना लिया है और यहाँ पर क्या हवा चल रहा है, अगर बारिश आ गया तो बोट राइड पूरा कैंसिल, अगर बारिश नहीं आया तो मैं श्योरली बोट राइड के लिए जाऊँगा। ओ भाई क्या हवा दे रहा है यहाँ पे। So guys, अभी हम लोग बोट पे है और आ गया है बारिश, इसलिए हम लोग रश कर रहे हैं घाट के ओर। So guys, बाहर हो रहा है बारिश और हम लोगों ने अभी एक टुक टुक भरा दिया है। यहाँ से अभी हम लोग नजारा देख रहे हैं मंदिर जी की का, और वो लोग यहाँ पे स्विमिंग करने जा रहे हैं बोट लेके और हम लोग टुक टुक के अंदर से एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बारिश बहुत ही बढ़ गया है और यहाँ पे हम लोग सीन देख रहे हैं बोट और मंदिर को लेकर। हम लोग यहाँ पे सीन एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है गाना। ये लोग अभी स्विमिंग करने जा रहे हैं। जगन्नाथ भैया कहाँ है? जगन्नाथ भैया, ओके जगन्नाथ भैया, तुम्हारे पीछे आ गया एक ट्रक, इसलिए अभी हम लोग कर रहे हैं साइड टुक टुक को। কত টাকা দিবে? টাকা নাই তো ডাকলে কই জিতে? কোন না জিতে না তো ডাকলে ছত্তি কা সাইজ দেখো ভাই, ওপি ওপি। আমি মনটা সো গাইস, বাহার হো রহা হ্যায় বারিশ, ইসলিয়ে মে আবি আ গয়া হু ঘর। চলো উপর চলতে, উপর জাকে বাত করতে আপকে সাথ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ घर और बाहर पूरा हो गया है अंधेरा और अभी मुझे लग रहा है भूख, इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है। चलो देखते हैं कितने समय तक आता है, वहाँ पे तो दिखा रहा है 30 मिनट्स। सो गाइस, हम लोग का खाना आ गया है और इन लोगों ने जो किया है वो बहुत ही गलत चीज़ किया है। हम लोगों ने मंगवाया था वेज चाओ 2 और इन लोगों ने हमें एक नॉन वेज भेज दिया है। हम लोग का आज वेज है फिर भी इन लोगों ने नॉन वेज भेज दिया, पता नहीं ऐसा क्यों है। ये एक मंचूरियन, ये हम लोगों ने वेज वाला मंगवाया था एंड इन लोगों ने एग वाला दे दिया है। कैसा अजीब चीज़ हो रहा है भाई, वेज मंगवाया और इन लोगों ने नॉन वेज ही भेज दिया है। अभी मैंने स्विगी पे कॉल किया है, देखते हैं ये लोग कैसे सपोर्ट। हाँ, सो स्विगी वालों ने मुझे 2 ऑप्शन दिया है, एक की वो मेरा आइटम ही पूरा रिप्लेस कर देंगे और दूसरा वो लोग मुझे रिफ़ंड करेंगे। मैंने दिया था 80 रुपीज़ से और ये लोग मुझे रिफ़ंड करने को तैयार है 94 रुपीज़, आई गेस 94 ही बोला था। तो मैंने चूज़ किया है रिप्लेस, क्योंकि ये जो एक चाउमीन है ये बहुत ही छोटा है। हम लोग 2 लोग हैं इसे खाने के लिए, मैं और मेरा छोटा बहन, सो एक से तो नहीं होने वाला, सो मैंने रिप्लेस ही करवा लिया है। चाउमीन मैंने कम्प्लीट कर लिया है, अभी वेट करेंगे दूसरे चाउमीन का, देखते हैं कब तक वो आता है। सो मेरा
चाउमीन आ गया है, दूसरा वाला जो रिटर्न होके आने वाला था सो वो आ गया है, और डिलीवरी बॉय ने मेरा पिछला चाउमीन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, और उसमें तो एग था इसलिए आज वो मैं खा नहीं सकता, आज मेरा वेज है इसलिए मैंने डिलीवरी बॉय को वो दे दिया है, वो ही खा लेगा, बेचारा बहुत खुश हो गया था। सो गाइस हम लोग ने अपना चाउमीन खा लिया है, आज का व्लॉग के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग पे, दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी व्लॉग्स सिलचर। I'm in one time, 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 I'm in one time